कौन बनेगा सुल्तान। तो पांच राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, जनता ने अपना सुल्तान चुन लिया है। कौन बनेगा सुल्तान उत्तर प्रदेश का और कौन बनेगा उत्तराखंड का, अब ये बीजेपी तय करेगी, क्योंकि बीजेपी को अप्रत्याशित जीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर पंजाब की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को वहां पर करारी हार देखने को मिल रही है। काफी समय से वहां की जनता निराश थी, आम आदमी पार्टी वहां पर खाता खोलती हुई नजर आ रही है। अच्छी खासी बढ़त आम आदमी पार्टी ने बनाई है, अकाली दल और बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने वहां पर पीछे छोड़ा है। कांग्रेस पंजाब में सबसे आगे चल रही है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी थोड़ा बहुत आगे पीछे का फर्क है। फिलहाल बीजेपी एक सीट से आगे चल रही है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल रुझान लगातार आ रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अब जो सीएम होगा उत्तर प्रदेश का, वो सीएम कौन होगा, उत्तराखंड में बीजेपी का सीएम कौन होगा, क्योंकि सीएम चेहरा ना पेश करने के लगातार आरोप यहां पर लगते रहे, लगातार सवाल उठाते रहा था विपक्ष और कह रहा था कि भाई सीएम चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। इसे विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया था, लेकिन सारे मुद्दे विपक्ष के यहाँ पर धरे के धरे रह गए। अगर मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। ये दिखाता है कि तीन तलाक जैसे मुद्दों पर शायद मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का समर्थन किया है। एक ऐसी लहर मोदी लहर उत्तर प्रदेश में चली जिसने तमाम दलों को बिखेर कर रख दिया। कह सकते हैं 2014 जैसी लहर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जनता ने अपना फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के नतीजे आपको बताता चलूं, नतीजे रुझान अभी तक आपके सामने हैं। 294 सीटें बीजेपी के पास लगभग 300 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को करारा झटका लगा है, 70 के आसपास सिमट कर रह गए हैं और बीएसपी खात्मे के कगार पर यहां पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल जी, अगर देखा जाए तो बार बार अखिलेश यादव भी कहते थे और राहुल गांधी भी कहते थे कि आपके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, इसे आप लोगों ने काफ़ी मुद्दा बनाया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। आपको नहीं लगता ये मुद्दा, जितने मुद्दे आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ उठाए, सबके सब उल्टे पड़ गए? देखिए, मुद्दे उठाना ये राजनीतिक बिंदु होते हैं, ये विपक्ष भी उठाता है, हम लोग भी उठाते हैं, लेकिन उल्टा कुछ नहीं पड़ा। जनता बदलाव चाहती थी, जरूरी नहीं है, क्योंकि बीएसपी के लोग अपनी चुनाव में सही तरीके से उनका ना लड़ पाना, उनका वोट बैंक सरकना समाजवादी पार्टी का नुकसान होना है, क्योंकि उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला। और दूसरा हम आपसे बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा जब 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा था, जिन सीटों पर हम हारे थे, इस सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दो नंबर पर रही है। तो जनता ने समाजवादी पार्टी को नकारा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नकारा इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बदलाव के रूप में वो ले रहे हैं, उन्होंने बदलाव चाहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आए। चलिए, ये तो मानते हैं आप लोग कि हाँ भाई, जो मोदी सरकार है उसके काम से लोग प्रभावित थे, यूपी की जनता बहुत प्रभावित थी, नोटबंदी जैसे फैसलों ने काफी असर डाला, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसलों ने काफी असर डाला। नहीं देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही थी, बदलाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद किया। उत्तर प्रदेश के मोदी कोई प्रधानमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे, उनकी कोई नीतियों को जनता ने पसंद नहीं किया। जनता समाजवादी पार्टी को इसलिए नकार गई कि वो बदलाव चाहती थी, बदलाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। नहीं, वो इसलिए नकार गई कि उन्हें पता चला कि दो लोग इकट्ठे हो गए, एक कांग्रेस है जो सालों से देश को चला रही थी, वो कांग्रेस के राहुल गांधी अब कहते हैं कि हम यूपी में विकास करेंगे, हम यूपी को रोजगार देंगे। जनता के मन में ये सवाल था कि आप ये बताइए, जब आप केंद्र में थे और यूपी में सपा की सरकार थी, तब आप दोनों कहाँ थे, तब आप दोनों को उत्तर प्रदेश का साथ पसंद क्यों नहीं आया, इसलिए भी जनता ने नकारा है। देखिए, जनता का नकारना राजनीतिक लोगों को स्वीकार करना चाहिए, हम इस हार को स्वीकार करते हैं, कहीं हमारी कोई कमी होगी जिस वजह से हमारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता ने हमें पूरी तरह नकार दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा इसलिए पसंद किया कि वो ये चाहते होंगे कि क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उत्तर प्रदेश में होगी तो उत्तर प्रदेश के लिए शायद कुछ अच्छा हो सके, इसलिए भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हर सीट पर पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और पूरा संघर्ष के साथ लड़ रहे हैं। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी 1-1, 2-2 वोटों से आ रही है। हार वो होती है कि आप देखिए, बीएसपी
पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी दल था, लेकिन बीएसपी बिल्कुल फना हो गई, खत्म हो गई। बीएसपी के वोटर ने उसे निकाल दिया और वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। समाजवादी पार्टी का वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ रहा। बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि बसपा का वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। अगर उत्तर प्रदेश में जनता ने नकारा है तो बहुजन समाजवादी पार्टी को नकारा है। समाजवादी पार्टी आज भी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में खड़ी हुई है। चलिए, अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें राहुल जी, तो उत्तराखंड में जो कांग्रेस थी, हरीश रावत चेहरा थे वहां पर कांग्रेस का, और काफी वो भी अपने काम का गुणगान कर रहे थे, लेकिन इस बार उत्तराखंड की जनता ने भी कांग्रेस को नकार दिया, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का अगर आप पूरा इतिहास उठाकर देखें तो वहां पर इन दो पार्टियों में ही एक बार कांग्रेस के लोगों को चुना जाता है, एक बार बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना जाता है। इस बार आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में भी अगर नुकसान हुआ, बीएसपी के पिछली बार वहां 4 से 5 एमएलए जीत कर आए थे, इस बार उनका वहां खाता भी नहीं खुला। जिसका वोट बैंक सरका है वो बीएसपी का दलित वोट बैंक जो कहा जाता था वो उत्तराखंड में यूपी में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वीकार कर चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चला गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को नुकसान हुआ। अच्छा, अगर हम गोवा मणिपुर के नतीजों की तरफ चले हैं, मणिपुर के नतीजे भी बताते हैं कि जहां पर बीजेपी का कुछ आधार नहीं था वहां पर भी बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। मान लिया जाए कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले थे, वो धीरे धीरे उनका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल निरर्थक और निराधार बात है। वहां पर लोगों ने स्वीकार किया, उसकी वजह कुछ हो रही तो इस प्रकार से तो पूरे पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल को नकार दिया तो क्या कांग्रेस को नकार दिया? ये आपका विवेक हो सकता है, लेकिन जनता बदलाव की हैसियत से प्रत्याशी और पार्टियों को बदलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार इस 5 साल में इस प्रत्याशी ने हमारा उतनी सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत होगा, समाजवादी मुक्त उत्तर प्रदेश या भारत होगा, ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर इनका सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी के, नहीं सुपड़ा साफ नहीं हुआ, 18 सीटों के साथ हैं अभी, चल रहे हैं पीछे हैं, लेकिन सब समझिए अगर ये कहेंगे तो सुपड़ा ही साफ है, जो पूरे बहुमत में सरकार थी आज वो नहीं है। चलिए, बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, हम इस पर भी उनसे जवाब मांगेंगे। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज इन नतीजों पर लगातार जारी है। 5 राज्यों का फैसला आ चुका है, जनता ने फैसला कर लिया है कि उसे उसने किसे चुना है। तमाम जो एग्जिट पोल्स सामने आ रहे थे वो एग्जिट पोल्स लगभग सही साबित हुए हैं, और कह सकते हैं कि एग्जिट पोल्स से आगे बढ़कर पब्लिक ने ही बीजेपी को वोट किया है। अब जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वो जनता के लिए काम करे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए समाचार टुडे। कौन बनेगा सुल्तान?